पहली और दूसरी लहर में जनता की नाराजगी कोविड से थी और कोविड के बाद नंबर दो पर नेताओं से थी। बिल्कुल सही बात हर है, बिल्कुल, बड़ा आदमी अपनी जान बचाए घूम रहा था, हर बड़ा आदमी, बाद में सब आए पहन पहन के कुर्ता, लेकिन उस वक्त सब जान बचाए घूमे। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपने अमिताभ जी बड़े ही, मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने 75 जिलों का दौरा किया, वो निकले, और वहां निकले, तक पहुंचे, वो निकले, मैंने वहां का उल्लेख किया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई नहीं अपने 75 जिलों में जाकर के और नीचे स्तर तक जाकर के वैक्सीन कैसे लगा, नहीं लगा, क्या हुआ, नहीं हुआ, बेडों तक जाकर के पूछ करके। तो ऐसे मुख्यमंत्री से हम लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है, जो कि खुद इतनी संवेदनशीलता के साथ उस कोरोना की लहर में हम लोगों के साथ खड़े रहे। बार बार जो यहाँ पर कहते हैं जो कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, मैं कहना चाहता हूँ खास करके ट्विटर, फेसबुक, उसी से अगर, उसी से अगर आपको, उसी से अगर नेताजी करनी है, अगर उसी से अगर आप जनता के बीच पहुँचते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। जनता भी सब देख रही है 2017 में किस तरह से आपको उखाड़ के फेंका था। काम बोलता है जैसे मेरे, काम बोलता है जैसे नारा आप लोगों ने ही लगाया था, लेकिन काम कैसे बोलता है ट्विटर और फेसबुक से, ऐसे सोशल मीडिया से चुनाव लड़ने से अच्छा है कि आप लोग हिम्मत कर रहे हैं। और कहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, भ्रष्टाचारियों का अपने उनका जिस तरह से था, आज खत्म हो चुका है। अरे तो भाई अब आप लोग सुधार लीजिए भाई, होना चाहिए ना जिनकी गलती से कोरोना फैला उत्तर प्रदेश में, कंटेंडेंट भी होना चाहिए। अब क्योंकि आपकी धरती खिसक चुकी है, जनमानस आपको देखना नहीं चाह रही, सुनना नहीं चाह रही है, गांव से खदेड़ रही है, बस्तियों में घुसने नहीं दे रही, काले कोत रही, पास डिजिटल मीडिया तो आप इलेक्शन कमीशन करें ताकि डिजिटल कैंपेन जो हो एक फेयर कैंपेन हो, जो सारा कॉस्ट इलेक्शन कमीशन पे करे, जिसमें सभी पार्टियों को इक्वली फोरम मिल जाए डिजिटल मीडिया पे अपनी बात रखने का। एक बार रुको तो भाई, अरे रुको तो तब तो बात होगी, रुकोगे तब ना बात करेंगे, रुक जा, अरे रुको भाई, रुको रुको नायक जी, आप कुछ चीजें जो है ना जनता को सही छोड़ दीजिए, अभी जो जनता को सही छोड़ दीजिए वो सही रहेगा। आपके निर्णय, आप निर्णय लो ले, आप निर्णय लो ले, झूठ बोला गया था, मैं कह रहा हूँ आप निर्णय लो ले, जनता को बोलेगी आपने जो है सत्ता में नकारा दिया था, उसको जनता ने किस तरह से नकारा, किस तरह से नकारा, आप लोग इतना चिंता करते रहिए, हम लोग विकास करेंगे, हम लोग विकास करेंगे, हम लोग विकास करेंगे, कोरोना काल में आप चिंता करो, रहे जलाओ मोमबत्ती जलाओ, जनता ने सब ने कहा है, योगी सरकार ने, अरे नीति आयोग की रिपोर्ट ने तो भाजपा सरकार की पोल खोल दी ना, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पीछे पूरे देश में उत्तर प्रदेश, क्या काम किया स्वास्थ्य सेवाओं में, अभी तक मुझे अपनी गलती से सीखे नहीं, दो लहर में हजारों लाखों जनमानस मौत के घाट उतर गए, करोड़ों लोग संक्रमित हो गए, फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया, झूठ बोलते कि ऑक्सीजन से लोगों की मृत्यु नहीं हुई, अरे आप झूठ बोलने वाले लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। अरे कम से कम जमीन पर उतर के तो देखिए आप, कम से कम जमीन पर उतर करके देखिए, जो स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा किस तरह से बेहतर है, सड़कों पर आकर के देखिए, टीचर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, टीचर पर बैठने से काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाइए, आप जाकर के पता चले क्या उत्तर प्रदेश में क्या काम हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या काम हुए हैं, सब जाकर के मैं रोकूंगा दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों बड़े प्रभावी प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, और नाहिद जी तो बहुत ही प्रभावी हैं, वो तो बिल्कुल धुआंधार पारी खेलती हैं विवियन रिचर्ड्स की तरह। शालिनी जी, एक गंभीर सवाल, एक आखिरी सवाल,
के मिश्रा जी ने बात, आर के मिश्रा जी ने बात बहुत सही कही। चुनाव आयोग की भूमिका तो तब शुरू होगी जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले तो सारा कुछ आत्मसंयम का मामला है, आत्मालोचन का मामला है और आत्मसंयम का मामला। शालिनी जी, एक चुनाव इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती कि जिसके लिए सब दल मिलके सबको दांव पर लगा दें। शालिनी नहीं है शायद अभी। मिश्रा जी, यही सवाल आपसे, इसका छोटा सा उत्तर और यही नाहिद से छोटा सा उत्तर। क्या एक चुनाव इतनी बड़ी चीज है? चुनाव आएंगे जाएंगे, हर पांच साल पर होंगे, नहीं? मैं कह रहा हूं ऐसा तो है नहीं कि भाई हजारों साल में पहली बार मुहूर्त पड़ा है, नहीं। हाँ मिश्रा जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जान है तो जहान है। मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, जान है तो जहान है। अगर जान है, जान है, अरे अपनी जिम्मेदारी आप समझने की कोशिश करिए। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी देख रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तब लागू होती है जब आचार संहिता लग जाता है। ये ज्ञान आपको कौन देगा, ये ज्ञान आपको कौन देगा? तो इसलिए समझने की कोशिश करिए, हम सबकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। हम अपनी ही जिम्मेदारी नहीं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी भी तय कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, जान है, जान है, तो साइज क्या है, बेहतर होगा जनता की। अरे ठीक 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 है भाई, सबको रोकेंगे, इतने समय है, रुकना होगा। एक बात मैं ठीक है।